जी शेख, ये सवाल है कि शोहर के ऊपर नानफका फर्ज है, तो जो जी बुनियादी जरूरतें होती है वो, लेकिन शोहर की कमाई नहीं है इतनी या उनके पास कोई और सोर्स नहीं है जिससे घर का महीने का पूरा खर्चा हो सके, किराया भी घर का और घर का जो बुनियादी खर्च है, तो फिर उसमें हर महीना ये होता है कि बीवी के पैसे इस्तेमाल होते हैं। और अब जाहिर है बीवी हर बार तो खुशी से नहीं देगी, लेकिन मजबूरन उसको देना पड़ता है, तो क्या किया जाए ऐसी सूरत में, क्या किया जाए? अब बीवी जी को भी ये शाह, है कि वो अगर उसके पैसे बचेंगे तो वो कुछ अपने लिए कर लेगी, जैसे उम्रा है, हज है, तो वो हो ही नहीं पा रहा है, और हाँ, शोहर को एहसास भी नहीं है इस चीज का। ये होते होते कई साल हो गए हैं, कई बार तो कुछ होता भी नहीं है शोहर की तरफ से, बीवी ही पूरा घर चलाती है, तो क्या किया जाए? अब घर के बाहर बाहर ना निकले, इस घर की बात बाहर ना निकले, इसके लिए बीवी अपना पैसा जो भी उसका थोड़ा बहुत है या मायके से उसको मिलता है वो घर के ऊपर खर्च करती है, तो ऐसी सूरत में क्या सवाल किया जाए? वाजे है सर, जजाक अल्लाह, सवाल वाजे है बिल्कुल वाजे है, और ये बहुत सारे घरों की जी। परेशानी है। ये देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर कट है कि शौहर के ऊपर ही वाजिब है। घर का खर्चा, बीवी का बुनियादी खर्चा, बच्चों का खर्चा, ये शौहर के ऊपर ही वाजिब है। अब वो फकीर है, मिस्कीन है, पूरा नहीं कर पा रहा है, ये उसका हेडेक है, उसको ला करके पूरा करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। जी वो कर्ज लेकर के आए, कम कहीं से कमा करके लाए, बहरा जायज तरीकों से ही लाएगा, हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि वो चोरी करके लाए, जायज तरीकों से ही लाना उसकी जिम्मेदारी है। अब ऐसी सूरत में अगर कोई बीवी आगे बढ़ करके अपने शौहर के ऊपर एहसान करना चाहती है, जाहिर है दोनों के दरमियान एक एहसान का रिश्ता भी होता है, वो बीवी एहसान करना चाहती है तो उसके लिए अज्र होगा। जैसे बार बार हम शौहर के मामले में कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ करके हक जो है उससे आगे बढ़ करके खर्च कीजिए तो आपको अज्र मिलेगा, तो बीवी अगर अपने शौहर की मदद कर रही है तो उसे अज्र मिलेगा, लेकिन इस पर बीवी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि तुम्हारे जी ऊपर वाजिब है, तुम्हारे पास पैसा रखा हुआ है, शौहर के पास नहीं है तो उसको दो। नहीं, ये वाजिब नहीं है बीवी पर। अगर बीवी अपनी रजा और रगबत से करना चाहे तो कर सकती है और इस पर उसे अज्र भी मिलेगा। यहां पे दो मसला है। एक बात यह है कि अगर वो बीवी अपने शौहर को वो सदका कर दे रही है, यानी हदिया हेबा कर दे रही है कि मैं जो खर्च कर रही हूं मुझे वापस रिटर्न नहीं चाहिए, मैं ये एक तौर से आपके ऊपर एहसान कर रही हूं, तब तो वो दोबारा उसको मांग भी नहीं सकती अगर इस जी नीयत से उसने दिया है तो। लेकिन अगर उसने कहा कि मैं ये खर्च कर रही हूं, अभी जो घर का खर्च पूरा नहीं हो रहा है मैं उसको दे दे रही हूं, लेकिन बाद में मुझे चाहिए, यानी बतौरे कर्ज दे रही हूं, यहां तक कि मैं जो खाना खा रही हूं ये भी चूंकि आपके ऊपर वाजिब था, आप दे नहीं पा रहे हो तो ये अपना मैं खा ले रही हूं, ये आपके ऊपर कर्ज है, तो बाद में उस शौहर को उसे भरना होगा। जी अब आप बताइए, इस पर अगर आप गौर करें तो हमारी शरीयत ने औरत को किस कदर हक दिया है कि अगर शौहर गरीब है, बीवी अपना माल खा रही है, तो जितना उसका बुनियादी खर्चा था बीवी का उतना शौहर के ऊपर कर्ज माना जाएगा, उसको देना होगा बाद में। हाँ, ये इल्ला है कि बीवी इस तरह से खर्च करे, कह दे कि मैं जो है इसे आपको दे रही हूं, मैं दोबारा लेने के लिए नहीं दे रही हूं। तो जी अब ये तो इसका शरई हुक्म हुआ और शरई तौर से इसका जवाब हुआ। आपका मसला जो है वो सवाल के अंदर सवाल से ज्यादा मशवरा तलब किया जा रहा हो, मुझे ऐसे लग रहा है। तो अब जी जी देखिए, शरीयत तो आपको ये हक देती है जो मैंने अभी बयान किया, बल्कि शरीयत ये हक भी देती है औरत को कि अगर शौहर खर्च नहीं कर पा रहा है, खर्चा नहीं पूरा कर पा रहा है, तो वो निकाह का फस्क का मुतालबा भी कर सकती है, उसको हक है, ये शरीयत ने हक दिया है। अब अगर वो औरत घर को चलाना चाहती है कंप्रोमाइज करके तो वो चला सकती है, लेकिन ये उसके ऊपर वाजिब नहीं है। जहां तक नसीहत की बात है, नसीहत मेरी ये होगी कि आप दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ चलाएं। अगर कुछ वक्त मतलब टाइम ठीक नहीं चल रहा है शौहर का, तो उसकी मदद करें और साथ में बैठ करके दोनों मशवरा करें, ताकि आगे कुछ ऐसा करें शौहर जिससे ये सारे सारी परेशानियां दूर हो जाएं। अब अगर कोई शौहर ऐसा हो गया कि वो बिल्कुल बीवी के सहारे पर आ गया है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे जी ऐसे लोगों की कमी नहीं है,
तो फिर तो उनका इलाज ये नहीं है कि मुसलसल खर्च किया जाए, बल्कि उनका ठीक से कोई इलाज होना चाहिए ताकि ये हालात दुरुस्त हो सके। बीवी कब तक खर्चा करेगी नहीं जी शेफ, यही सवाल है कि कैसे उनका इलाज किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि आदत भाई? हो गई कई देखिए, साल से वही चल रहा है। कोई भी आदमी आपको ये नहीं बता पाएगा, दुनिया का कोई मुफ्ती आपको ये नहीं बता पाएगा। मैं आपको नहीं जानता हूं, आपके शौहर को नहीं जानता हूं, आपके घर के हालात को नहीं जानता हूं, आप दोनों के मिजाज को नहीं जानता हूं। आप दोनों आपस में ये तय करें कि ये मसला कैसे हल होगा। बाकी शरई हुक्म तो मैंने बता दिया आपको। अब जी जितना भी बेहतर अंदाज में आप दोनों इसको मैनेज कर सकते हैं करें। शेख थोड़ा सा शोहरों के लिए भी आसानी कर दीजिए। स्टार्टिंग में ओपनिंग कमेंट में जो बात आई थी शेख के बीवियों का हक है कि वो अलग घर का मुतालबा कर सकती है, लेकिन चूंकि हालात आप जानते हैं हमारे यहाँ के और इस दौर के कि कितनी महंगाई है, एक आदमी बड़ी मुश्किल से एक घर ले पाता है, घर में रख पाता है। अब माँ बाप के साथ बीवी, अब आमतौर से तो हर औरत की ये ख्वाहिश होती है और हर औरत की ये मांग होती है कि भाई मुझे आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना। तो अब अगर आदमी बीवी को अलग घर में रखें, माँ बाप की खिदमत के लिए अलग मेड रखें, और इतना महंगाई के दौर में इतना सब कुछ कर पाना तो एक आदमी के बस की बात नहीं है शेख, आम इंसान के हालात के एतबार से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इससे जो हक है वो हक, जैसे मैं अगर मिसाल के तौर पर कल को मैं आपके सामने आकर के ये कहूँ कि अरशद भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कैसे सरवाइव करूं, अब आपके ऊपर जरूरी है कि आप जो है मेरी मदद करो, तो क्या ये मेरा हक है? जो हक मेरा है ही नहीं, मैं उसे मुतालबा कैसे कर सकता हूँ? या जो मेरा हक है मैं कैसे मजबूर किया जा सकता हूं कि मैं गिव अप कर लूं उससे? तो ये बीवी का हक है, वो मांग सकती है। अब अगर वो जाहिर है कोई भी अकलमंद बीवी जो होगी, मियां बीवी की जिंदगी की गाड़ी बहुत सारे मसाइल में अंडरस्टैंडिंग से चलती है, तो अगर वो अकलमंद बीवी होगी जाहिर है या तो वो उसके लिए घर का जो है मुहैया करे घर मुस्तकिल, या तो नहीं रहेगी, यही तो कहेगी बीवी कि भाई या तो आप मेरे लिए घर मुहैया करो यार, वरना मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। अब शौहर नहीं कर सकता है, कहेगा भाई माँ सलामा, तो फिर वो कहाँ जाएगी? जी। तो जाहिर है अगर कोई आदमी ऐसा है कि वो कर ही नहीं सकता, नहीं है उसके पास, भाई उसके पास यही रास्ता है कि या तो आप रहो या तो चली जाओ छोड़ के, तो वो मजबूर तो नहीं कर सकता कि नहीं आपको रहना ही होगा मेरे इसी घर में दूसरों के साथ, मजबूर नहीं कर सकता। वो ये कह सकता है कि भाई नहीं, असल मैं में इससे ज्यादा नहीं कर सकता। मसला ये होता है ना शेख के, जब मसला ये आता है कि बीवी मुतालबा कर रही है मुझे आपके वालिदैन के साथ नहीं रहना है, अब शोहर ये कहता है भाई रहना है तो रहो या तो छोड़ करके चले जाओ हमें। देखिए ये ऐसा ऐसा वो उसी वक्त कहना जायज होगा उसका जब वो हकीकत में उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो बिल्कुल हकीकत में नहीं कर सकता। जी जैसे कुछ तो जबरदस्ती कहेंगे नहीं मैं नहीं दूसरा घर नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बैलेंस करना है, कुछ पैसे बचाना है बैलेंस करना है, इसलिए मैं दूसरा घर अफोर्ड नहीं कर सकता, तब ये तो गलत है भाई। बैलेंस करने से पहले जरूरी है कि जो नफका है उसको पूरा करो। लेकिन कोई आदमी ऐसा है जो कुछ भी नहीं है उसके पास, वो नहीं कर सकता, तो और क्या कहेगा? वो यही कहेगा भाई है मेरे पास यही, हाँ आपका मांगना बजा है जायज है, लेकिन मेरे पास यही है, मेरी इस्तेआत नहीं है दूसरा घर किराए पर लेने की। तो अब जाहिर है अब बीवी के सामने इख्तियार है, उसको मजबूर ना तो शरीयत करेगी ना तो हम करेंगे,